सो हे गाइस, आज हम ये वाली फ़ोटो को रिटच करेंगे कुछ ऐसा, ठीक है। सो गाइस, हमें सबसे पहले पिक्सआर्ट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं लिंक भी दे दूंगा और प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमें इस फ़ोटो को शेयर कर देना है पिक्सआर्ट में, ठीक है, सिंपली ऐसे। उसके बाद आ जाने के बाद हमें इस फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टूल्स पर, उसके बाद क्रॉप, उसके बाद हम इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें सिंपली जाना पड़ेगा ड्रॉ टूल में, ठीक है, ड्रॉ टूल में। उसके बाद ड्रॉ टूल में फिर से क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद लेयर्स पे जाके हमें फ़ोटो का जो लेयर है उस पर सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हमें इरेजर पे जाना है और यहाँ पे साइज़ देख लेना, आप अपने हिसाब से साइज़ सेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे। सो गाइस, ये हमारा बैकग्राउंड इरेस हो गया है, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से कर लेना। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट्स है, मैं इसको इरेस कर देता हूँ, ठीक है। सो ये इरेस नहीं हो रहा क्योंकि मैंने फ़ोटो का लेयर सिलेक्ट नहीं किया है। सो यहाँ पे लेयर्स पे जाके मैंने फ़ोटो का लेयर सिलेक्ट किया, उसके बाद ये इरेस हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे इरेस होता है। उसके बाद फिर से हमें लेयर्स पर जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ऊपर बॉक्स में क्लिक करके फ़ोटो लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड का लिंक दे दूँगा, इसको आप ओपन कर लेना, ठीक है। सो ये रहा हमारा बैकग्राउंड। सो इसको ऐसे एडजस्ट करके उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो गाइस, हमारा जो ऊपर का लेयर है उसको प्रेस एंड होल्ड करके नीचे लेके आएंगे, ठीक है। सो ऐसा हो जाएगा, हमारा मॉडल आगे आ जाएगा और बैकग्राउंड पीछे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, ठीक है, एकदम ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके उसके बाद सेव इमेज, ठीक है। सो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा इमेज, ठीक है। सो इसके बाद हमें नेक्स्ट एप्लीकेशन का काम आता है, उसका नाम है लाइटरूम, ठीक है। रिटच करेंगे वहाँ पे कलर रिटच, ठीक है। सो ये एप्लीकेशन है, इसका मैं लिंक दे दूँगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही शेयर करके रखा है। सो ये रहा हमारा फ़ोटो। सो मैंने आगे ही रिटच करके रखा है। सो इसको मैं अनडू कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से करता हूँ। सो यहाँ पे ऑटो पे क्लिक कर देना है सबसे पहले, ठीक है। सो ये लाइट्स ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, एकदम बेस्ट वे है और इजी। उसके बाद ये रहा हमारा सेटिंग्स। उसके बाद मिक्स पे जाना है, सेकेंड कलर, ये फेस के लिए होता है। सो इसका सैचुरेशन कम करेंगे, ज़्यादा मत कम करना नहीं तो फेक लगेगा, ठीक है। उसके बाद ल्यूमिनेंस बढ़ाने से ग्लो आएगा फेस में, ठीक है, ऐसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो है येलो, इसका सैचुरेशन हम ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद जो ग्रीन है इसका भी सैचुरेशन हम ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद एकदम ब्लू, देखो ये ब्लू, इसका हम सैचुरेशन कम करेंगे और ह्यू को भी थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टूल पर जाके क्लियरिटी को बढ़ा देना है और विग्नेट को कम कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टूल पे जाके शार्पनेस को बढ़ा देना है। उसके बाद नॉइस रिडक्शन, उसके बाद कलर नॉइस रिडक्शन, इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना नहीं तो स्मूथ हो जाएगा फोटो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टूल पे जाके दोनों टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा फेस पे थोड़ा बहुत पिंपल है, सो इसको हम स्मूथ करेंगे, ठीक है। सो इस टूल पर क्लिक करना है, ठीक है, सिलेक्टिव टूल बोलते हैं इसको। और यहाँ पर देखो ब्रश में ये ब्रश सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फेस पर ऐसे ब्रश कर देना, ठीक है, जहाँ जहाँ पिम्पल है। सो मैं कर देता हूँ जल्दी से। सो गाइस, हो जाने के बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट्स एक टूल है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें इसका जो टेक्सचर है इसको कम करेंगे, क्लियरिटी को भी कम करेंगे और डीएस जो है इसको भी कम करेंगे। सो हमारा जो फेस है उसका जो पिक्सेल्स है वो ब्लोर टाइप का आएगा, ठीक है, उसका क्लियरिटी कम हो जाएगा। सो वो स्मूथ दिखेगा, ठीक है। सो हमारा जो पिंपल है या फिर हेड पे जो दाग है वो कम हो जाएगा या फिर ब्लोर टाइप का हो जाएगा। सो देखने में स्मूथ लगेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा हैक्स है। उसके बाद हमें डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो ये हमारा फ़ोटो कम्प्लीटली रिटच हो गया है, ठीक है। सो सिंपली इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।